weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hello friends, assalamu alaikum. एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में. तो आज बहुत दिनों के बाद हम अपना सफ़र शुरू करने जा रहे हैं. हमारी ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होती है, झूला विलेज यहाँ से, तो हम सुम गली की तरफ जा रहे हैं. तो आज मुदस्सर भाई हमारे साथ हैं, तो ये आपसे बात करेंगे. एक्चुअली 2023 का हमारा पहला व्लॉग है और पहले व्लॉग में लोकल एडवेंचर प्लस वंडरिंग राइडर साथ में है. So definitely it will be a great fun for both of us. So आइए देखते हैं आगे कैसा रहता है. ओके, तो आपको तक जाना है हमें यहाँ से, टोटली इंक्लाइन जाना है हमें, प्लेन वलेन कुछ भी नहीं है. तो हालत बहुत ही ख़राब होने वाली है यहाँ पर. ये देख सकते हैं कितना घना जंगल है. तो हम इस तरफ से जाएंगे. तो अब चढ़ाई चढ़ते चढ़ते वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो आगे कोई अच्छी जगह मिलेगी तो आपको ज़रूर दिखाएंगे. बने रहिए हमारे साथ वीडियो में. हमने लगभग 1-2 किलोमीटर ख़त्म किया. अब हम कुछ इस जगह पर पहुँचे हैं. अभी हमें बहुत ऊपर जाना है, तो शुरू में काफ़ी मुश्किल हो रही थी चलने में, लेकिन अब मज़ा आ रहा है चलने का. ये यहाँ का कुछ आसपास का व्यू दिखाते हैं आपको. देखिए भाई साहब, बहुत घना जंगल है यहाँ पर. जंगली जानवर भी हो सकते हैं यहाँ पर. तो चलते हैं अल्लाह के भरोसे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं. हमारा टारगेट तो सुम गली पहुँचने का है. तो अभी 10 बजने वाले हैं, तो हमने लगभग 1-1.5 किलोमीटर ट्रैक किया है, तो अभी बहुत चलना है. तो मिलते हैं आपसे आगे. तो ज़्यादा लंबी तो नहीं कह सकते, अभी हमने थोड़ा ही चला है. तो यहाँ पर पहुँचे हम सुम गली के रास्ते में ही हैं, तो हमें यहाँ पे एक सिंहासन मिल गया है, इस पर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं. देख सकते हैं आप कितना अच्छा सिंहासन बनाया है, उन्हें किस स्किल से बनाएंगे. तो सब लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं सुम गली जाने के लिए, खास करके मुदस्सर भाई जो पहली बार हमारे साथ ट्रैक कर रहे हैं. तो यहाँ पे 2-3 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर हम चलते हैं आगे. आपको कैसा लगा भाई यहाँ पर आगे? देखते हैं आगे क्या होता है. ज़्यादा लोग तो नहीं है, 5-6 लोग ही हैं. तो मिलते हैं आपसे आगे. फिर तो आखिरकार हमने बर्फ तक पहुंचने वाला जो रास्ता था वो तो तय कर लिया. आप देख सकते हैं बर्फ पड़ी है.
तो भाई चलते चलते हालत ख़राब हो गई, क्योंकि अब जो रास्ता है वो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, आप देख सकते हैं। तो बर्फ़ में चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि रास्ता सही से दिख नहीं रहा है। तो लेकिन ओवरऑल मज़ा भी बहुत आ रहा है। I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. ये फायदा है, जहाँ आग ना जले ये काम आ जाता है।
बुटेन गैस कैरी किया है साथ में, तो दो तीन घंटे निकाल लेता है, हमारा काम हो जाएगा। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, लेके आओ बनाएंगे किस पे। ज्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, मैगी बनाएंगे बस। यहाँ पे पानी नहीं है, इसलिए हमें बर्फ बर्फ को ही पिघला कर पानी, बर्फ के ऊपर ढक्कन रखो तब पिघलेगा। हाँ अभी रखते हैं बस। पूरा चिकन मटर मटर आज भाई साहब कुछ अलग ही लेवल की मैगी बनने वाली है। चिकन मैगी इन बर्फीली वादियों में चिकन मैगी खाने का अलग ही मजा है। लिफाफे सारे जमा करो, वापस निकले यहाँ से, तो काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर। आप देख सकते हैं आसपास बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी थी, यहाँ पर चलने में तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन खूब इंजॉय किया हम लोग ने यहाँ पर। तो ये हमारी पहली ट्रैक थी इस साल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली हमने इसको कंप्लीट किया। तो अब देर की काफ़ी, क्योंकि अभी हमें बहुत दूर तक जाना है।
तो गाइज आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो नीचे गांव है ये दर्दकोट का गांव है, और उस पार जो दिख रहा है आपको नावारुंडा है। बहुत ज़्यादा बर्फबारी पड़ी है, देख सकते हैं लोग कहाँ कहाँ रहते हैं यहाँ पर ऊँचे ऊँचे पहाड़ों पर, तो काफ़ी मुश्किल होता होगा इन लोगों के लिए अपना साजो सामान ले जाना, ख़ास करके आजकल बर्फ़ के मौसम में। तो हम भी काफ़ी ऊपर आए थे, लगभग देख सकते हैं नीचे गांव बहुत नीचे है, तो हमें क्रॉसिंग आया था, तो इसी रास्ते से वापस जाएंगे। ओके भाई देखते हैं। काफ़ी टायर्ड हो चुके थे सब लोग, तो हमने सोचा चलो एक एक कप चाय का बनाते हैं। इन बर्फीली वादियों में चाय का अलग ही मज़ा है, तो चाय पीकर हम निकलते हैं घर की तरफ। गाइस यहाँ पे हम घर की तरफ निकल चुके हैं। तो हमारा ट्रैक जो सुबह तकरीबन 9 बजे यहाँ से शुरू हुआ था सुम गली की तरफ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया, हम वापस आ गए। तो काफ़ी लोग जो थे हमारे साथ ये काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। लेकिन जो ये वाला हमारा जो ब्लॉग था ट्रैक था, इट वॉज रियली अवसम। वेरी थैंकफुल टू यू गाइड अस असिस्टेंस फॉर दिस वन, कीप सपोर्टिंग। हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।